और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुरादाबाद में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और अब तक मिले 11,943 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक कोरोना से 180 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मरीज आज रिकवर हो गए हैं और अपने घर वापस लौट गए हैं। बता दें अब तक 11,714 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं और इसके साथ ही 44 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। तो वहीं बता दें, जिस तरह से मुरादाबाद में आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद से राज्य सरकार और प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार शुरू से ही चौकस होने का दावा कर रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हर अस्पतालों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और कोरोना मरीजों के लिए खास तौर पर सैनिटाइजेशन और अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना मरीज जल्द ही ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं। तो वही रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में रिकवर होकर भी मरीज घर लौट रहे हैं, स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। और जो ताजा आंकड़े अब देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि फिलहाल 44 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है और जिसमें से 3 मरीज आज ठीक होकर पूरी तरह से रिकवर करके कोरोना संक्रमण को हराकर अपने घर वापस लौट गए हैं। और इसी बीच जो है 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मुरादाबाद में पाए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं चिंताजनक हो जाती है ये बात कि जिस तरह से कोरोना का नया स्ट्रेन देश में आ चुका है, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मुरादाबाद जैसी जगहों पर अगर संक्रमण फैलता है तो आगे स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दानवीर सिंह हमारे संवाददाता मौजूद है। दानवीर, कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो क्या कुछ हालात वहां पर है और किस तरह से प्रशासन इस पूरे मामले को देख रहा है, किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको बता, जिस तरीके से लगातार हम कोरोना के अपडेट जो लगातार आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार अपडेट आ रही है कोरोना की, तो आए दिन मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। तो देखिए मुरादाबाद मंडल की बात करें तो लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं वो एक चिंताजनक है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे थे कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता है कि अब समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए लगातार भीड़ बाजारों में देखने मिल रही है। बात करें देखिए वाहनों की, तो वाहनों में भी लगातार भीड़ देखने मिल रही है। पिछले दिनों, अभी देखिए एक दिन पहले ही 13 मरीज मुरादाबाद में निकले थे, उसके बाद आज 4 मरीज निकले हैं। तो अपडेट जो बात करते तो स्वास्थ्य महकमा तमाम सतर्क है, स्वास्थ्य महकमे की तमाम जो टीमें गठित कर दी गई हैं लोगों को समझाने की, और वो टीमों पर कोई भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने कल फ्लैग मार्च निकाला और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए थे मास्क लगा के रखें और दूसरे को भी मास्क लगवाएं और समझाने का प्रयास किया। तमाम ऐसे मैसेज आ रहे हैं लेकिन पब्लिक समझने का बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। दानवीर, कई बार देखा जाता है कि पुलिस वाले ही, जो ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो वो खुद ही कई बार मास्क पहने हुए नजर नहीं आते हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जनता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और लोगों ने मास्क छोड़ दिए लगाने? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके की आपने बात करी पुलिस प्रशासन अधिकारियों की, तो पुलिस जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके कई जगह ऐसी देखने मिली है मुझे, जो चेकिंग कर रहे होते हैं उनके मुंह पर मास्क नहीं लगे होते हैं, थाने में बैठे हो वो मास्क नहीं लगे होते हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें जगह जगह से निकल के आ रही हैं। तो ऐसा है कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो भी यही देख रही है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मास्क नहीं लगाए तो हम क्यों लगाएं, क्योंकि पुलिस पब्लिक को तो सिर्फ बहाना होता ही है और बहाने पर पब्लिक उस बहाने को देती है और उसी बहाने पर तैयार रहती है। जैसे ही पुलिस प्रशासन और तमाम रैली की बात करते हैं कि अन्य प्रदेशों में जो चर्चा चल रहा है, तो मोदी जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या ममता बनर्जी हो, कोई भी सही, सभी नेता अपने अपनी रैली कर रहे हैं और रैलियों में नेता कई जगह देखे मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे ही जनता जब टीवी पर जब देखती है तस्वीरें तो वो चीजें सब ध्यान में रखती है और मास्क लगे हुए नजर नहीं आते हैं, तो जनता भी अब इसे इस्तेमाल करना कामयाब नहीं समझती। जी, तो दानवीर क्या लगता है कि क्या मुरादाबाद में भी विधायक 144 लगा देनी चाहिए या और कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है अगर कोरोना संक्रमण के मामलों की बात की जाए तो? देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना की बात करें तो देखिए मुरादाबाद की बात करें आजकल तो मुरादाबाद में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। जैसे तमाम मरीजों की पहले दिनों के इलाज के दौरान कुछ मरीजों की लगभग 180 मरीजों की जो मरीज थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो 80 से अधिक लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। मुरादाबाद की बात करें तो लगभग 11,000 ठीक हो चुके हैं और 11,000 से ज्यादा की बात करें तो मरीज अब तक मुरादाबाद में निकले हैं। तो लगातार इस तरीके से मरीज बढ़ रहे थे, वो अब लगातार धीरे धीरे फिर वो तस्वीरें सामने आने लगी है जिसमें संख्या में इजाफा हो रहा है मरीजों की। तो लगातार हम आपको बात करते हैं कि मुरादाबाद में सख्ती बरतने की जरूरत है। दानवीर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बुलंदशहर से एक खबर सामने आ रही है, जहां बुलंदशहर में
आ पैरोल पर काफी समय से फरार चल रहे एक अभियुक्त को स्वाट पुलिस टीम ने सयाना थाना से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, शातिर अपराधी मेरठ 2004 से फरार चल रहा था और खुद को मृत घोषित करके पुलिस की नजरों में छुपकर यह अपराधी फरार चल रहा था। साथ ही बता दें, अपराधी पर जनपद मेरठ से 20,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। साथ ही अपराधी के पास अवैध असलाह कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके बाद इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर पुलिस को एक सातिर अपराधी जिसका नाम अनिराज सिंह है, पुत्र जयवीर सिंह, गांव मदारपुर, थाना सरधना, जनपद मेरठ का रहने वाला था और ये 1988 में हत्या के एक मुकदमे में इसको सज़ा हुई, आजीवन कारावास की सज़ा थी और सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी सज़ा कन्फर्म हुई। 2004 में ये पेरोल पे बाहर आया। बाहर आने के बाद इसने अपने आप को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार कराए जिसके आधार पर मृत घोषित करा दिया और लगभग 16 वर्षों से अनवरत अपने को मृत घोषित कर छुप करके अलग स्थान पर रह रहा था। इस पर 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि मेरठ जनपद द्वारा घोषित की गई। वर्ष 2020 में मेरठ में जानकारी आई कि ये अभी जिंदा है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे अपने को मृत घोषित कर दिया है। उसके आधार पर 469/20 मुकदमा मेरठ में दर्ज किया गया, जिसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराएँ हैं और 20,000 की पुरस्कार राशि इस पर घोषित थी। हमारी स्वाट टीम के लोगों को जानकारी मिलने के बाद इसको तमंचे कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है।